गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज 12 सितंबर 2018 एंड आप सभी का स्वागत है डीएनए दैट इज डेली न्यूज पेपर एनालिसिस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस का एडिशन का सेपरेट वीडियो जो एडिटोरियल का हमने ऑलरेडी 7 बजे डाल चुका है, वो आप लोग देख सकते हैं। इस सेक्शन में हम लोग आज न्यूज पेपर में वैसे मुद्दे और टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सारे टॉपिक को मैं एलोबरेट करके बताऊंगा, वैसी जानकारी जो पेपर में नहीं भी दी गई होगी बट आपको जानना जरूरी है उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं कौन कौन से मुद्दे आज पेपर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट आए। पहला ये देखो, इलेक्शन कमीशन सेंड्स अ शो कॉज नोटिस ऑन द कंसीलिंग इनकम पार्टी कॉल्स अ बायस। मतलब ये बता रही है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये आप गवर्नमेंट को मतलब शो कॉज नोटिस भेजिए कि मैं आप पे कोई मतलब ऐसा इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करूं। क्यों, उनका मुद्दा क्या है कि इन्होंने कंसील किया है इनकम को। मतलब जैसे कोई भी आप जब इलेक्शन के लिए खड़े होते हो तो उसमें अपनी पार्टी का कितना इनकम है, कहां कौन सा सोर्स ऑफ इनकम, ये सारी चीजें बतानी होती है। तो इसमें जो है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इसमें पाई गई है, तो वही इस मामले को बताया गया है और ये इलेक्शन कमीशन इन पे एक्शन ले रही है। तो ये मुद्दे इसमें और ये भी यहाँ पे ये है कि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इसमें आप देखो ये जो कोड होते हैं, ये जो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द ट्रांसपेरेंसी ऑफ 2014 मतलब पैरा 16A में ये पूरा इलेक्शन सिंबल से रिलेटेड पूरे ट्रांसपेरेंसी और गाइडलाइंस को इसमें देखा गया। और इस प्रोविजन के तहत जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो सस्पेंड कर सकती है या विथड्रॉ कर सकती है आपके रिकॉग्निशन को, जो कि आप पॉलिटिकल पार्टी ऐसे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी का मुद्दा यहाँ पर है, तो आम आदमी पार्टी एक झाड़ू इनके सिंबल से मतलब वो रिकॉग्नाइज की जाती है, तो उस रिकॉग्निशन को इलेक्शन कमीशन जो है उस पर कुछ ऐसा हार्श इफेक्ट ले सकती है अगर उसमें कुछ ऐसे एक्शन आए तो। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड एक और मुद्दे हैं जो नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे, उसे हम लोग वहां पे और डिटेल में से समझेंगे। और ये देखो दूसरा एक है कि प्रधानमंत्री अनाउंसेस द दिवाली गिफ्ट, वो किन के लिए, जो भी जैसे आशा या फिर आंगनवाड़ी के वर्कर्स थे उनके लिए इन्होंने दिवाली गिफ्ट या मतलब उनके उनका जो हाइक था उनको उनके सैलरी में वो हाइक कर दिया है। तो ये हम लोग मुद्दे यहाँ पर देखेंगे कि ये आंगनवाड़ी के जो आंगनवाड़ी जो वर्कर होते हैं ये फॉल अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ये आंगनवाड़ी के जो वर्कर होते हैं ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड मतलब डेवलपमेंट सर्विस के अंदर फॉल करते हैं। और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस किसके अंदर काम करती है, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। ठीक है, यही बातें आपको इसमें समझनी थी। और उनके जो हाइक होंगे, जैसे जिनका मतलब 2200 रुपये था मतलब पहले मिल रहा था, अब उनको 3500 रुपये मिलेगा, तो ये तो खैर मुद्दे पॉलिटिकली हैं तो इन्हें हम लोग ज्यादा नहीं देंगे। अब देखो ये तीसरा मुद्दा, ये कैडेवर। कैडेवर मतलब क्या होता है, मुर्दा मतलब सब या लास्ट जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ट्रांसप्लांट लीड टू द वन डेथ, मतलब ये जो उनसे ट्रांसप्लांट किया जाता है जैसे किडनी वगैरह का जो ट्रांसप्लांट किया जाता है, एक तो ह्यूमन बॉडी से जो कि मतलब जिंदा है या फिर कोई मतलब किडनी का डेथ हो गया, तो दो टाइप के ट्रांसप्लांट होते हैं। अगर कोई मान लो कि बॉडी मतलब ह्यूमन बीइंग है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनसे अगर किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाता है, उनसे अगर एक किडनी निकाल ली जाती है, तो उनके जो दूसरी किडनी बची होती है उनका साइज जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो दूसरे किडनी का भी मतलब काम उसको अकेले ही करना पड़ता है। तो प्रीवियस अंडर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन एंड द टिश्यू एक्ट, इसके अंदर जो एक्ट है, तो कोई भी ट्रांसप्लांटेशन करने से पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं। ह्यूमन ल्यूकोसाइट टेस्ट इसमें बताया गया, जो कि कैरी किया जाता है कॉम्पैटिबिलिटी बिटवीन द डोनर एंड द रिसिपिएंट बॉडी, मतलब जिस बॉडी से मतलब उसको ट्रांसप्लांट करना है और जिस बॉडी में ट्रांसप्लांट करना है, तो दोनों की बॉडी के कॉम्पैटिबिलिटी को भी देखा जाता है। और साथ ही साथ उस बॉडी में बहुत सारी चीजों को चेंज किया, जैसे HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये सारे मुद्दे को उसमें जांच की जाते हैं। तो यही बात हमें इसमें जानने की थी, बाकी तो ये पॉलिटिकली सब है। नेक्स्ट पेज में ऐसा ये दिल्ली से रिलेटेड पूरा आर्टिकल है, तो यहाँ हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रॉम ये राफेल डील वगैरह सब पॉलिटिकल मामला चल रहा है, राफेल डील से रिलेटेड हम लोगों ने ऑलरेडी जो है एडिटोरियल डिस्कस कर चुके हैं। मैंने जैसे बोला कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो वहां पर एक मुद्दे थे फर्स्ट पेपर में, उससे और इलेबोरेट वे में यहाँ पर दिया गया कि इलेक्शन कमीशन ने CBDT को मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को इन्होंने बोला कि वैसे राज्यसभा मेंबर या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मतलब मेंबर होते हैं जो भाग लेते
थे, तो उनका मतलब वो क्या, उनकी कितनी मॉनिटरी स्टेटस है, ये सबको आप स्क्रूटनाइज करो, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो गया कि डज नॉट स्क्रूटनाइज ऑल द, ये जो सीबीडीटी है ये अपने मन से किसी को स्क्रूटनाइज नहीं करती है, ये जब कोई भी असेंबली पॉल में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जब तक इलेक्शन कमीशन से उनके पास रिक्वेस्ट नहीं जाता वो कुछ भी एक्शन नहीं लेती है, और जब उनके पास ये रिक्वेस्ट चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि इलेक्शन एफिडेविट आर वेरीफाइड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के जो मतलब है वो डायरेक्टरेट जनरल है, उनके द्वारा वो सारी चीजें को इन्वेस्टिगेट की जाती है उनके अंडर, और अगर मान लो कोई मतलब पाए गए फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में, जो मतलब उनका इनकम मान लो वो अपने इनकम दिखाए 1000 रुपए और लेकिन उनका जो रियल इनकम जब चेक करने के बाद अब 1,00,000 रुपए आ रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दिस रिपोर्ट आर शेयर डायरेक्टली बाय द इलेक्शन कमीशन, ये रिपोर्ट को वो डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन से शेयर करेंगे, और फिर आपसी सहमति के करने के बाद जो भी उनका उनकी देख रेख कर रहे थे उस कैंडिडेट के ऊपर फिर वो प्रॉपर एक्शन लिया जाता है। तो ये मतलब लीगल प्रोसेस होता है हमें उसको देखने का। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे ये इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्रेस नेटवर्क है, ये सारी चीजें मतलब एक्सीडेंट वगैरह हुई तो ये सारी चीजें हमें जानने की जरूरत नहीं है। एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट न्यूज ये पर ये आया कि इंडिया है, ईरान है और अफगानिस्तान है, ये तीनों मिलकर एक ट्राइपार्टाइट मीटिंग किए, कहाँ पर, काबुल में, और इसमें कौन से मुद्दे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे मतलब डिस्कस किए गए, और अभी जैसे यूनाइटेड स्टेट जो ईरान पर सैंक्शन लगाने की कोशिश कर रही है, तो वैसे में छाबाड़ पोर्ट जो हमने बनाया ईरान में तो उसका क्या रोल होगा और कैसे हम लोग उसको देखेंगे, और ईरान ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट ये कंट्री हो जाता है, ये इसलिए हो जाता है क्योंकि और भी देश हो, जैसे मान लो सऊदी अरेबिया से हम लोग तेल लेते, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो वो जिस रेट पे देती है और ईरान जिस रेट पे देती है, दोनों में बहुत अंतर होता है। ईरान हमें मतलब सब्सिडाइज्ड रेट पे क्रूड ऑयल देती है, तो वैसे में अगर सैंक्शन अगर लगा दिया जाए ईरान पे तो हमारी जो अभी जिस रेट पे अभी तो ऑलरेडी 72 मतलब जितना आप देख रहे हो कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई वो और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि सब्सिडाइज्ड रेट पे हमें पेट्रोल या डीजल क्रूड ऑयल मिलना बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इंडिया के लिए कंसर्न फैक्टर इसलिए बन जाती हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे वैसी चीजें नहीं आई। यहाँ पर एक न्यूज आया और ये बताया कि एनएचआरसी रिपोर्ट जो है ये आरटीआई मतलब राइट टू एजुकेशन के बारे में इन्होंने बोला कि ये 18 साल तक कंपलसरी कर दिया जाए। अभी कितना है, अभी मतलब ये क्लास 8 तक कंपलसरी है राइट टू एजुकेशन एक्ट, लेकिन इसे बोला जा रहा है एनएचआरसी वाले बोल रहे हैं कि इसे क्लास 14 तक कंपलसरी कर दिया जाए, अर्थात 12th के बाद जो दो क्लास मतलब ग्रेजुएशन तक ये कंपलसरी कर दिया जाए, जब तक कि मतलब हमारे स्टूडेंट्स का एज जो है 18 के आसपास नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि जब उनका 18 के आसपास आप एजुकेशन को कंपलसरी बना दोगे तो उसमें एक अवेयरनेस आ जाएगी, और जिससे ये चाइल्ड मैरिज जैसे जो मतलब इश्यूज हैं वो सारी चीजों को हम इजिली कर्व कर पाएंगे। तो यही इसमें एनएचआरसी की रिपोर्ट इसमें बताई गई है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, इसमें भी सारे पॉलिटिकल न्यूज आए हैं। एक्सप्लेन पेज में आज बहुत अच्छा एक आर्टिकल आया है एनपीए के बारे में, इसे हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे। उससे पहले ये साइड में एक न्यूज है वो देख लो कि स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन स्टॉर्म, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन स्टॉर्म जो होता है सेंट्रल वाटर कमीशन जो है, ये सेंट्रल वाटर कमीशन ये रेफर करती है कि कहां पे कौन से एरिया में सबसे ज्यादा एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम लेवल का रेनफॉल हुआ। अभी जैसे केरला में बहुत ही मतलब ऐसा रेनफॉल हुआ और वहां पे हजार्डस सिचुएशन बन गया, तो ऐसे में हैवीएस्ट रेनस्टॉर्म दैट हैज ऑकर्ड अ रीजन एज पर द रेनफॉल रिकॉर्ड, मतलब पहले आज से पहले वहां पर जितना रिकॉर्ड बना था रेनफॉल का और इस साल जो रिकॉर्ड आया उसमें हम लोग देखेंगे कि उस रीजन में कितना मतलब सीवियर इफेक्ट आया, किस तरह का वहां पर लोग इफेक्टेड हुए, ये सब चीजों को जज करने के बाद हम वहां पर क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट स्टॉर्म को, ये सेंट्रल वाटर कमीशन जो है टैग डिसाइड करती है। अब हम लोग आते हैं ये मुद्दे पे बैड लॉन्स, ये रघुराम राजन के द्वारा पूरे एक्सप्लेन किया गया जो फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर थे, तो इसे हम लोग देखते हैं इन्होंने इनका क्या कहना है बैड लॉन के प्रति। ये देखो पहला मुद्दा उठता है व्हाई डिड एनपीए ऑकर, मतलब एनपीए ऑकर होता क्यों, नॉन प्रॉफिटिंग एसेट जो होता है ये ऑकर कैसे होता है, तो इसमें बहुत सारे कारण बताए गए, एक एक कारण को हम लोग देखते हैं। पहला बोलता था ओवर ऑप्टिमिज्म, मतलब ये बताया गया कि 2006 से 8 का जब हमारा पीरियड था तो उस टाइम हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही थी, हमारे जो भी टारगेट थे जो भी प्रोजेक्ट थे वो सारी चीजें हम लोग फुलफिल कर पा रहे थे आसानी से, मतलब जो भी जैसे वहां पर बताया गया जो भी मतलब कोई इंडस्ट्री अगर सेटअप करना है तो वो सारी चीजें टाइमिंग पे हो जा रही थी। तो इससे क्या हुआ कि बैंक वाले को लगा क्या कि मतलब हमारी जो भी मैंने किसी को भी लोन दिया वो सारे जो है प्रोडक्टिव वे में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो है
है, अब हम किसी को भी लोन आसानी से दे सकते हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी अच्छी कर रही है। तो उन्होंने मतलब बिना देख रेख के भी जो भी उनके पास लोन जैसे वहां पर मांगने आए वो सभी को लोन देना स्टार्ट कर दिए। दूसरा क्या मुद्दा होता है, ये एनपीए जो मतलब एनपीए जो बना, दूसरा क्या कारण था, स्लो ग्रोथ। मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस तो मतलब हमेशा चलता ही आ रहा है लगातार, तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस से इंडिया भी मतलब बचकर नहीं रह सकता, कहीं ना कहीं इस पे भी इफेक्ट पड़ती है, तो ये हमारी जो ग्रोथ है यहाँ पर स्लो हो जाती है। तो ये भी एनपीए बनाने में एक अहम मुद्दा होता है। फिर होता है गवर्नमेंट परमिशन एंड द फूड ड्रैगिंग, मतलब जैसे कोल माइंस के जो मतलब दलाल है या फिर जो ऐसे लोग हैं जो कि धांधली करते हैं, तो ऐसे लोगों को इन्वेस्टिगेट करना और पकड़ना, ये सब मामले में मतलब गवर्नमेंट का जो मतलब बहुत लचर रूप था वो मतलब सीरियसली इन चीजों को नहीं ले रहे थे और ये सारी चीजों से भी बच रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन अगर होगा तो बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे ऐसे नाम उभर कर आ जाएंगे, तो मतलब गवर्नमेंट पे उल्टा प्रेशर पड़ जाएगा, तो जिस कारण से गवर्नमेंट इससे भाग रही थी, तो ये भी एक प्रोमिनेंट रीजन बना। और फिर चौथा रीजन ये था कि लॉस ऑफ प्रमोटर एंड द बैंकर्स इंटरेस्ट। बैंकर्स का इंटरेस्ट क्या, बैंकर जो भी किसी को लोन प्रोवाइड कर रहा है अगर उन्हें लगता है कि वो मतलब वापस पैसे नहीं आएंगे, डेब्ट जैसे सिचुएशन बन जाएंगे, तो वैसे स्थिति में वो लिख देंगे कि उनका प्रोजेक्ट जो भी काम चल रहा है उस प्रोजेक्ट को वो मतलब वो हैंडओवर कर लेंगे, बैंक जो है लेके फिर उसका ऑक्शन कर देंगे। लेकिन ये सब मामले जो बैंकरप्सी कोड के अंदर अभी हमने प्रोविजन बनाए, ये प्रोविजन उस वक्त नहीं थे, तो जिस कारण से वो जो था प्रमोटर जो लोग थे उनको किसी चीज का डर नहीं था और बैंकर लोग थे वो फालतू में मतलब किसी इश्यूज में नहीं फंसना चाहते थे कि मतलब वो कोर्ट के चक्कर उनको लगाना पड़े, तो ये भी एक प्रोमिनेंट रीजन था। और वो जो है जो भी उनको ऊपर से बातें बोली जाती वो उसे मान लिए जाते थे। और फिर साथ ही साथ एक करप्शन का मामला तो हमेशा रहता ही है कि मतलब जितने भी बैंकर्स थे वो मतलब एडिशनल बैलेंसिंग, मतलब कोई भी जैसे मान लो कि ये नीरव मोदी का ही केस ले लो या जिसके भी मेहुल चौकसी का केस ले लो, तो मतलब आप लोन ले रहे हो, आपका लोन आप उसको चुकाने में सक्षम नहीं हो और फिर से आप दोबारा जब लोन मांगने आ रहे हो तब भी आपको लोन फिर से सैंक्शन कर दिया जा रहा, तो ऐसे मुद्दे ये जो करप्शन के मुद्दे थे ये मतलब प्रोमिनेंट रीजन भी इसमें बनकर आए। और फ्रॉड जैसे मतलब ये बोलते हैं रघुराम राजन कि जब मैं गवर्नर था तो मतलब जो भी मुझे फ्रॉड वहां पर नजर आया तो वो सारे इश्यूज को मैं पीएमओ में भेज दिया करता था, लेकिन पीएमओ क्या एक्शन लेती थी इसके लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूं। तो ये सारे मतलब 6-7 रीजन बताए गए जिससे कि एनपीए हम मतलब क्रिएट हुई कंट्री में। तो व्हाई रिकॉग्नाइज बैड लोन, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ गया कि बैड लोन मतलब रिकॉग्नाइज करने की किसी कंट्री को क्या जरूरत है। अब देखो कोई भी मनी जब वो बैड लोन बनती है या फिर बैंक में पैसे जाते हैं कोई उससे लोन लेता है, तो पहला अप्रोच क्या होता है कि जब उसने लोन ले लिया और वो पैसे देने में सक्षम नहीं हो पा रहा तो आप क्या करो, वेट करो, मतलब बैंडेज लगाओ उस पे और मतलब वेट करो कि हाँ थोड़ा टाइम दो कि थोड़े टाइम के बाद वो चीजें सुधर जाएगी और मतलब वो लोन देने में सक्षम हो जाएगा। और दूसरा कारण ये, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप स्ट्रेस डालो उस पे, अगर वो मतलब बैड लोन बन चुका है तो या तो उस पे स्ट्रेस डालो, एक्सटर्नल प्रेशर डालो कि आप इस पे कुछ ऐसे एक्शन लो या फिर आप उसको मतलब फाइनेंशियल कुछ हेल्प करके उनकी जो बर्डन है उसको कम करने की कोशिश करो। लेकिन दोनों ही केसेस जो मतलब एक तो उस पे बैंडेज करना और ये उस पर एक प्रेशर डालना, दोनों ही केसेस तभी पॉसिबल हो पाएंगे जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि कौन सा बैड लोन है कौन सा बैड लोन नहीं है। जब बैड लोन होगा तभी हम उस पे ऐसे प्रॉपर एक्शन ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आरबीआई एनपीए को क्रिएट करती है, आरबीआई का इसमें क्या रोल है एनपीए को क्रिएट करने में। तो इसमें रघुराम राजन बताते हैं कि बैंकर्स हो गए, एक हो गए प्रमोटर्स और तीसरे होते हैं कि सर्कमस्टेंसेस, यही तीन प्रोमिनेंट रीजन होते हैं। ये जो आरबीआई होती है रेफरी का काम करती है, ये इसके लिए मतलब एनपीए को क्रिएट करने में रेस्पॉन्सिबल नहीं है। डिड एनपीए रिकॉग्नाइज एंड स्लो द क्रेडिट ग्रोथ एंड द हेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें पूछा जाता है कि जो एनपीए रिकॉग्निशन होता है तो उसमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रुकती है। हाँ कहीं ना कहीं फैक्टर तो बनता है, पूरे देश में ये हवा बन जाती है, मतलब लोगों को विश्वास में मतलब कमी आ जाती है कि हाँ मतलब बैड लोन्स बन रहा है, मतलब सरकार जो है लोन किसी पर्टिकुलर आदमी को देते जा रही है तो ये सब और हमारे पैसे लेकर कोई भाग जा रहा है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। व्हाई आर द एनपीए माउंटिंग इवन आफ्टर द आरबीआई एसेट क्वालिटी रिव्यू इज ओवर, मतलब बोल जाता है कि जब आरबीआई इतना हार्श एक्शन ले रही है मॉनिटर कर रही है तब भी बैड लोन्स क्यों बन रहा है, एनपीए क्यों बन रहा है, तो इसके भी बहुत सारे इसमें रीजंस दिए गए और इस रीजंस को देखते हैं।
बी व्हाई हैव द प्रोजेक्ट्स नॉट बीन रिवाइव्ड। पहला एक रिस्क एवर्स, मतलब बैंकर्स जो हैं ये फालतू में किसी चक्कर में कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसना नहीं चाहते और उनपे जो भी मतलब रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस है वो उनसे दूर रहना चाहते हैं। दूसरा प्रोमिनेंट रीजन क्या, अंटिल द बैंकरप्सी कोड, मतलब बैंकरप्सी कोड जो है ये आने में बहुत देर हो गई, ये एनडीए की जब गवर्नमेंट आई तब हम बैंकरप्सी कोड बनाने के लिए सोचे, लेकिन उससे पहले तो ऐसा कुछ कोड नहीं था। तो प्रमोटर लोग जो थे उनके पास कोई ऐसा डर नहीं था, वो जानते थे कि अगर कुछ ऐसे मैं बैड लोन मतलब लोन चुकाने में सक्षम नहीं भी हो पाया तो सरकार मुझे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। द गवर्नमेंट हैज ड्रैग्ड इट्स फीट ऑन द प्रोजेक्ट रिवाइवल। और देखो कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, जैसे कोई भी मतलब एक्ट भी बनता है, तो उस एक्ट में प्रॉपर अमेंडमेंट की जरूरत होती है टाइम टू टाइम, ताकि उसका मतलब प्रेजेंट सिनेरियो के साथ वो वायबल रहे। लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट जो है कुछ एक्ट करने से मना कर दी, वो अपना पैर पांव पीछे खींच ली। तो ये सारे रीजन बताए गए और बैंकरप्सी कोड इज बीइंग टेस्टेड बाय द लार्ज प्रमोटर और बैंकरप्सी कोड। ये जो मतलब चौथा रीजन ये बताया गया कि बैंकरप्सी कोड से रिलेटेड मान लो कुछ अगर मामले उभर कर आ गए तो ये जो मामले हैं ये कहां पर देख रेख होनी चाहिए, ये देख रेख होनी चाहिए एक प्रॉपर ट्रिब्यूनल में, प्रॉपर एक सेपरेट कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अलावा एक कोर्ट होनी चाहिए जो बैंकरप्सी कोर्ट जैसे मतलब कोई डेब्ट हो गया या बैंकरप्ट जैसे लोन लेकर कोई भाग गया, पैसे लेकर भाग गया, तो ये सब मामले को उसी कोर्ट में हमें देखना चाहिए ताकि फास्ट ट्रायल हो सके। लेकिन इस मामले में हम लोग देखो जब बैंकरप्सी कोर्ट जैसे मामले आते हैं तो जो प्रमोटर होते हैं जो मतलब पैसे हमारे ले लेते हैं वो क्या करते हैं, इस कोर्ट में नहीं जाकर उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ड्रैग कर रहे हैं, हाई कोर्ट में ड्रैग कर रहे हैं, इधर से मामले लाकर वहां से इधर उधर से इंटरवीन करके, तो वो मतलब टाइम टू टाइम वो क्या करते हैं हमारे चीजों को एग्जैग्रीगेट करते रहते हैं, तो हमारा जो फोकस होता है वो भी चेंज हो जाता है। ये सारे रीजन हैं जो कि आरबीआई इतना मतलब सख्त स्टेप लेने के बावजूद भी ये एनपीए क्रिएट हो जाती है। व्हाई कुड आरबीआई हैव डन बेटर। तो इसमें अब ये लास्ट क्वेश्चन ये उठता है कि आरबीआई और अच्छा क्या कर सकती है, तो आरबीआई इसमें बहुत अच्छा कर सकती है और ये बैंकरप्सी कोर्ट जो इतने लेट से आया इसे और थोड़ा पहले आने की जरूरत थी और आरबीआई को एक्शन लेने की जरूरत थी। हाउ शुड वी प्रिवेंट रिकरेंस। और फ्यूचर में अगर मतलब एक क्वेश्चन ये भी है कि फ्यूचर में ऐसी चीजें ना हो इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, तो पहली बात ये बताई गई कि इंप्रूव गवर्नेंस एंड द पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक का जो देख रेख है उसकी जो गवर्नेंस है उसे पहले हमें अच्छा करने की जरूरत है। क्यों, मतलब वहां के लोग वहां के जो पीपल हैं जो बैंक में काम करते हैं वो लोन को सैंक्शन कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये ऑल ओवर इंडिया में जितने बैंक हैं उसकी गवर्नेंस को अच्छे तरीके से हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, शायद इसलिए हो रहा है। फिर ये दूसरी चीजें ये बताई गई कि एक देयर इज अ टैलेंट डिफिसिट इन द इंटरनल पीएसबी कैंडिडेट, मतलब बैंक में जो कैंडिडेट है मतलब अभी का प्रोविजन क्या है नहीं पता, लेकिन जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनके पास इतना मतलब आइडिया नहीं है कि वो कैसे इन्वेस्टिगेट कर सके कौन सा लोन को देंगे तो वो बैड लोन बन जाएगा, कौन सा लोन कहां पे कैसे क्या काम कर रही है, तो उनको वो सारी चीजों मतलब एक्सटर्नल फैक्टर की आइडिया नहीं, उन्हें सिर्फ बैंकिंग जैसे टर्म की आइडिया होती है, तो उन्हें भी प्रॉपर ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ एक से साइबर रिस्क वगैरह या रिस्क मैनेजमेंट, जो कभी अगर ऐसा रिस्क आ गया तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, ये सारे इश्यूज को देखने की जरूरत है। उसके साथ साथ क्या सिग्निफिकेंटली मोर हाउस एक्सपर्टीज, मतलब जिनको इस मामले में मतलब बैंक लोन बैड लोन्स वगैरह मामले में जिनको एक्सपर्टीज है उन सब लोगों से हमें कंसल्ट करने की जरूरत है। और शेयर द कॉन्ट्रैक्चुअली बिटवीन द प्रमोटर एंड द फाइनेंसियर, फाइनेंसियर और प्रमोटर के बीच में एक प्रॉपर सहमति बननी चाहिए। और साथ ही साथ कुछ ऐसे जो अच्छे लोग हैं जो कि मतलब लोन को चुकाते हैं टाइम टू टाइम, तो उनको मतलब क्या देने की जरूरत है, उन्हें आप अवार्ड दो, उन्हें रिवार्ड दो, ताकि वो मतलब और लोगों को पता चले कि अगर मैं सही टाइम पे लोन चुका दूंगा तो हमें दूसरा लोन मिलने में दिक्कत नहीं होगी और साथ ही साथ बैंक हमें और भी फाइनेंशियली हेल्प करेगी। और टेक आउट द कोर्ट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस, मतलब कोर्ट की जो प्रोसेस है ये कोर्ट के प्रोसेस को भी आप ठीक ठाक से हमें देखने की जरूरत है। और साथ ही साथ एक लास्ट मुद्दा ये भी उठता है कि वेविंग लोन, जैसे किसान के जब मुद्दे आते हैं किसान ने लोन लिया तो कोई भी सरकार नहीं बनती है तो सरकार मतलब पॉलिटिकल प्रेशर के कारण या जो भी होती है वो मतलब किसान के पूरे लोन को माफ कर देती है, तो ऐसे में ये जो लोन माफ किया तो ये पैसे की भरपाई कहाँ होगी, इस पैसे की भरपाई तो कहीं नहीं हो सकती, तो वो पैसे तो डायरेक्ट एनपीए ही बन जाते हैं, वो बैड लोन ही बन जाते हैं। तो ऐसे मामले को भी हमें देखने की जरूरत है कि हम उस लोन को वेव नहीं करने की जगह किसान के मुद्दे को अच्छे से हैंडल करना सीखें। तो ये सारे मामले ये रघुराम राजन पूरे एक्सप्लेन करके बता रहे थे बैड लोन्स के बारे में। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम लोग पेज पर चलते हैं। ये देखो एडिटोरियल का पेज है। एडिटोरियल के पेज में हमने आज आर्टिकल को जो डिस्कस किया है आप वहां पे ऑलरेडी देख सकते हो। यहाँ पर वो इकोनॉमी से रिलेटेड एक आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल में सारे मुद्दे को उठाए गए कि कैसे क्या चीजें हो रही है। और दूसरा था कि मतलब फोन सहायक स्कीम जो दिल्ली गवर्नमेंट के मतलब केजरीवाल जी ने लाया है कि 50 रुपये देकर आप 40 ऐसे गवर्नमेंट की सर्विस जो है आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगी। देखो ये आपके जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी जो यूनाइटेड स्टेट में जो हरिकेन आया, मतलब हरिकेन मतलब साइक्लोन जो आया, उसका क्या नाम था? उसका नाम है फ्लोरेंस, ठीक है। उस हरिकेन का नाम दिया गया है फ्लोरेंस। साथ ही साथ ये देखो कि अभी जो है ये सब मामले फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं। लेकिन जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ये जो चीजें हैं कि ट्रांसपेरेंसी और गवर्नमेंट मतलब वो गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इन्होंने क्या करे, गवर्नमेंट सेट द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, वैसी कंपनी जो कि अभी लिस्ट में नहीं है, जीएसटी के लिस्ट में नहीं आए, हैव टू कंपल्सरली यूज शेयर इन द इंडिमेट द स्टार्टिंग शेयर, मतलब उनकी क्या शेयर है, वो किस कंपनी को अपनी शेयर से को बेच रहे, किस कंपनी से खरीद रहे, ये सारी चीजों को उन्हें बतानी जरूरी हो गई है। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई थी। और साथ ही साथ एक न्यूज ये भी आया कि ये जो प्राइवेट मतलब पब्लिक व्हीकल होता है, ठीक है, पब्लिक व्हीकल सेल्स डिक्लाइन 2.46% इन अगस्त, कार सेल्स डाउन 1%। मतलब अभी ये अगस्त का अगर देखा जाए तो कार का जो सेल है 1% डाउन हो गया पिछले मंथ के मुकाबले, और साथ ही साथ पब्लिक व्हीकल जो होता है इसका भी 2.46 मतलब ये डिक्लाइन हुआ। इसके बहुत सारे रीजन बताए गए, उसमें से ये है कि केरला में भी जो बाढ़ वगैरह आ गया, आपदा जैसे आ गई, तो ये सब कारण भी जो कि पब्लिक व्हीकल अभी हमारा जो इतना ज्यादा सेल नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे ऐसी कुछ भी आर्टिकल नहीं आई है हमारे लिए, ये सारी चीज ऐसे इकोनॉमी और पॉलिटिकल हैं। ये देखो अभी जो हेट क्राइम से रिलेटेड मुद्दे हैं, ये सिर्फ अब इंडिया तक बच के नहीं रह गया, ये पूरा ग्लोबल बन गया हर जगह पर। मतलब यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल दिया गया और यहाँ पे बताया गया कि फेसबुक में मतलब जो मतलब गलत तरीके से जो न्यूज पे मतलब वो पे किया जाता था, और किसके प्रति, वो म्यांमार में, म्यांमार के फेसबुक पेज में वो रोहिंग्या लोगों के लिए मतलब बहुत वायलेंट हो गया, वहां पर उन्हें मारकर वहां पर उनके जान के लाले पड़ने लगे थे। तो ये सारे जो हेट क्राइम और भी बहुत सारे वर्ल्ड वाइड एग्जांपल इसमें दिए गए, तो उसमें बोला जाता है कि आज से एक दशक पहले जो मतलब फेसबुक के कितने यूजर्स थे, मतलब लगभग 100 मिलियंस यूजर थे, और उनको मतलब चीजों को देखना और उनको मॉनिटर करना आसान हो जाता था। लेकिन आज के समय में फेसबुक के लगभग 2.2 बिलियन मतलब ऐसे यूजर्स हैं जो मंथली यूजर्स हैं, और यूट्यूब के 1.9 बिलियन यूजर हैं, तो इन्हें मॉनिटर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और एटफिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेल टू एडजस्ट द मैग्नीट्यूड, और मतलब सोशल मीडिया ये अचानक जो यूजर्स बढ़ते गए, तो उनको मतलब सोशल मीडिया वाले जितने थे इनको मतलब पता नहीं था कि ये इतना बुरा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, और इसके लिए वो तैयार भी नहीं थे कि ऐसे ऐसे मतलब हमारे पास प्रॉब्लम आएंगे। लेकिन धीरे धीरे लोग मतलब ये सारी चीजों को टैकल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी जैसे फेसबुक ने क्या बोला कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मतलब उनका जो वो पैनल बना रहे उसके अंदर 20,000 लोग होंगे, और उसमें से 10,000 लोग ऐसे होंगे जो कंटेंट को रिव्यू करेंगे। मतलब आप कोई भी फेसबुक पे पोस्ट डालते हो तो वो पोस्ट को आपको वहां पर जज करेंगे कि वो पोस्ट जो है वो फेक है या फिर किसी को हेट क्राइम क्रिएट कर रही है। तो ये सारे 10,000 पीपल लोग वो कंटिन्यूसली कंटेंट को रिव्यू करते रहेंगे। लेकिन बात ये भी देखने वाली है कि ये जो मतलब 10,000 लोग पूरे ग्लोबल मतलब फेसबुक सिर्फ इंडिया या यूनाइटेड स्टेट तक सीमित नहीं है, पूरे ग्लोबली सीमित है, तो वो पूरे ग्लोबल न्यूज को मतलब मॉनिटर करने सिर्फ 10,000 लोग पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो इसे हमने धीरे धीरे क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर अग्रसर होना है कि मतलब कौन सी न्यूज फेक है कौन सी न्यूज सही है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हमें देखने की जरूरत होगी। साथ ही साथ इसमें ये चीजें बताई गई कि ह्यूमन मॉनिटरिंग, मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे कि मॉनिटर करेंगे वो सारे इश्यूज को, कि और वहां पर क्या करेंगे जो से कोई फेक न्यूज है तो उस न्यूज को अगर मुझे लगता है वो फेक न्यूज है तो उसे हम लोग डायरेक्ट डिलीट नहीं करेंगे, उस पर एक जैसे मतलब कुछ भी एक टिक मार्क दे देंगे, फ्लैग वहां पर बना देंगे, और जिस भी चीज में फ्लैग रहेगा वो सारी चीजों को फिर क्या करेंगे ह्यूमन बींग वहां पर चेक करके देखेंगे कि वो चीजें वो किस हद तक सत्यता को प्रमाण करती है, और उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो ये चीजें अभी चल रही है, उस पर अभी क्या फाइनल आएगा वो सारी चीजों को आगे भी हम लोग देखते रहेंगे। तो इतने ही आज हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।